सो हेलो गाइस, माय नेम इज विशाल एंड यू कैन कॉल मी ओजी। आप आ चुके हैं ओजी रिएक्शन के यूट्यूब चैनल पे। सो भाई लोग, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे आज? मैंने एक वीडियो बनाने के लिए सोचा था कि भाई मैं अपने टॉप 10 डिस चैट्स आपके साथ शेयर करूंगा, उसका एक वीडियो लेके आऊंगा। भाई मैंने कोई वीडियो नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं जस्ट वो टॉप 10 डिस चैट्स के बारे में आपको यहीं पे बता दूंगा। यही मेरा वीडियो है, यहीं पर आपके सामने वो टॉप 10 डिस चैट्स चलाऊंगा, जिसमें से कुछ तो मैंने एक उसमें सेव करके रखे हुए हैं अपने लाइक ये जो मेरे पास है भाई, एक मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी थी। सो उसमें मैंने सेव करे थे। लेट मी चेक द प्लेलिस्ट इफ आई कैन गेट दैट। सो यहाँ पर होती है ना प्लेलिस्ट। ओके सो भाई, दिस इज द प्लेलिस्ट व्हिच आई मेड फॉर द दिस चैट्स। सो मैं ज्यादा तुम लोगों का टाइम नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि भाई इस प्लेलिस्ट में मेरे कौन कौन से डिस चैट्स हैं जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो टॉप 10 डिस चैट्स हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ भाई, काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट्स हैं जो कि बहुत बढ़िया कर रहे थे, बहुत सुने हैं मैंने। मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस को देखा है, मल्टीपल आर्टिस्ट की, मल्टीपल जो क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस को देखा है। उसके बाद कुछ ऐसे सॉन्ग्स थे जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था भाई, वो वीडियोस मैंने देखा है। एंड देन उसके बाद मैंने अपने टॉप 10 जो मैंने सुन रखे थे, जो मेरे को अच्छे लगते हैं भाई, दिस इज फॉर माई ओपिनियन, दिस इज ऑल ओवर ऑन माई ओपिनियन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये टॉप 10 पे नहीं होना चाहिए था, टॉप 8 में भी नहीं होना चाहिए था, फर्स्ट पे नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। सो भाई, दिस इज माई ओपिनियन विच आई एम शेयरिंग विद यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, सबसे पहले जो मुझे सॉन्ग पसंद है उसका नाम है RANN, यानी कि रन बाय सिकंदर कालो। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू भाई, ये जो गाना था, इस गाने के ऊपर एक इसके पीछे कोई वजह है, जिसमें सिकंदर कालो एंड सनी मोल्टन के बीच में कुछ ऐसा इशू हुआ था, जिसमें सनी मोल्टन ने सिकंदर कालो के रिलेटेड कोई स्क्रीनशॉट्स का शेयर किए थे। देन उसके बाद सिकंदर कालो भाई ने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट एक डिस ट्रैक बनाया। नहीं, डिस ट्रैक नहीं बनाया, डायरेक्ट एक ईपी बनाया भाई, ईपी। और उस ईपी का नाम था सनी मिल्टन ईपी, और ऑल ओवर 5 ट्रैक्स वाज इन दैट ईपी भाई। 5 ट्रैक्स से वो 5 ट्रैक्स कौन से हैं वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मेंशन, आप वहां पर देख लीजिएगा। वो 5 ट्रैक्स थे उस ईपी में। एंड भाई उन 5ों ट्रैक्स में बहुत ही खतरनाक खतरनाक वाइब थी, बहुत ही खतरनाक चीजें थी। ऐसा नहीं था कि वो 5ों ट्रैक बेकार थे या जिस कारण इसकी कोई हाइप नहीं बढ़ी, भाई वो 5ों ट्रैक्स किलर थे, विद फुल ऑफ डिस ट्रैक्स, फुल ऑफ ब्रुटैलिटी। बट इससे पहले भी हमने सिकंदर कालो का एक बीफ देख रखा था, जो एक्सपेक्टेशंस वहां पर थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ईपी में मुझे नहीं थी, बट दिस सॉन्ग विल गिव मी द एक्सपेक्टेशन। आई एम डन विद सिकंदर कालो। सो लेट्स चेक कि क्या है यार इस गाने में और क्यों मुझे इतना पसंद है। सूलां दी कर दा हिफाजत है, रैप बंद कर तेनू साडी नी इजाजत है, कर ला तू छेती इबादत नहीं, होरां दी चढ़ाई सह लवें तेरी आदत नहीं, तेनू रैट कीता मैं साबत नहीं, पानी ते तुरा रोक पाओ सत सागत नहीं। ये कैसी है करामत, बोले ना पंजाबी मां बोली च मिलावट, फेम पाना बस यारा सी की तेरी चाहत, शुरू हो रट शो तेरा सोनिया हट। दिस वॉज अ ट्रैक विच सिकंदर कालो मेड फॉर द सनी मोल्टन। एंड भाई ये पूरा ईपी था, उसके बाद उसकी तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट हमें देखने के लिए नहीं मिला भाई, जिसके कारण कोई फर्दर अपडेट इसके बीफ के रिलेटेड कुछ नहीं मिला देखने के लिए। बट भाई जस्ट थिंक, बंदे ने प्रॉपर ईपी डाल दिया भाई, एक बंदे ने उस बंदे के ऊपर प्रॉपर ईपी बनाकर डाल दिया भाई। और जस्ट इमेजिन, अगर ये बीफ कंटिन्यू होता तो भाई कितने सॉन्ग हमें देखने के लिए मिल जाते। तो दैट सॉन्ग इज ऑन 10th नंबर ऑन माई फेवरेट लिस्ट। सो जो 9th नंबर पे सॉन्ग है भाई, तुम लोग भी सोचोगे भाई ये सॉन्ग 9th नंबर पे नहीं होना चाहिए भाई, बट दिस इज माई ओपिनियन, सो लेट्स शेयर विद यू। सो दिस सॉन्ग नेम इज एज वी ऑल नो, लाइक गाने का नाम है शेख चिली बाय रफ्तार, वन एंड ओनली रफ्तार। सो एडवर्टाइजमेंट तो हम नहीं देखेंगे भाई, बिकॉज हमें किसी ने भी कोई पैसा नहीं दिया है, हम डायरेक्ट जा रहे हैं इस सॉन्ग के ऊपर। सो एड चलने दो, बिकॉज मैंने यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है भाई। तो मैं तुम लोगों के साथ जस्ट यही शेयर करूंगा कि ये था हमारा सेकंड ट्रैक। रफ्तार हम सैड ये करना पड़ा यार। शेख चिली हाय, शेख चिली हाय, शेख चिली हाय, सो
सुन तू भाई नहीं यानी कि तू बनता ही नहीं है तू बनता ही छोड़ तू तो बनता ही नहीं है चुप रहना मेरा बनता ही नहीं मुझे सब दिखता है मेरी बनता ही नहीं है तेरा भाई बाबू बनता ही नहीं है वो सच बोलता है सच जनता ही नहीं है तेरे मेरे नोट इवन लाइक कि ये गाना हम मैं स्टार को पसंद करता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर रखा नहीं भाई दिस सॉन्ग इज टू गुड भाई मेरे को ये गाना बहुत पसंद आया एंड जेन्युइनली एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं पंजाब में रहता हूँ और इस गाने से पहले मैंने एमिवे को बहुत कम एक्सप्लोर किया था भाई बहुत एमिवे का मैंने सिर्फ नाम सुना हुआ था एंड मेरे एमिवे का जो फर्स्ट जिस टैग आया था उसके बारे में मेरे को इसके पहले नहीं पता था वेन बिकॉज मैं रफ्तार को फॉलो करता था मुझे पता लगा कि भाई रफ्तार की तरफ से कोई गाना आया एंड इज गॉट इट्स नॉट अ सॉन्ग इट्स अ डिस ट्रैक फॉर द एमिवे बंटाई एमिवे बंटाई का वो डिस ट्रैक है तो भाई जस्ट रफ्तार रफ्तार की तरफ से डिस ट्रैक कर देंगे एमिवे बंटाई को मुझे ये भी नहीं पता कि इन दोनों का बहुत तगड़ा रिलेशन भी था पहले ये दोनों एक साथ भी थे इन सब चीजों के बारे में मेरे को नहीं पता था लिटरली मेरे को बहुत कम नॉलेज थी उस टाइम पे बट जब मैंने ये गाना सुना एंड आई फील दैट कि भाई मैंने सेकेंड डिस ट्रैक सुना है अपनी लाइफ में पहला मैंने जो सुना था वो था यस वी ऑल नो दैट वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सबसे पहला डिस्ट्रैक्ट मैंने कौन सा सुना सेकंड डिस्ट्रैक्ट मैंने जो अपनी लाइफ का सुना था उसके पहले मैंने बहुत गाने सुने थे जस्ट ये मेरी दिमाग में रिमेम्बर रहा ये गाना सो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो भाई दिस सॉन्ग वाज सो गुड आल्सो इसमें रफ्तार ने बहुत ऐसी एक्सपोज करी थी जिसमें उसने बताया था कि मैंने स्टूडियो में बुलाया था लाइक पेंड्रा के स्टूडियो में बुकिंग कराया बबल हेज स्टूडियोज नाम याद में आया क्या लाइक तो रफ्तार ने बहुत चीजें ऐसी जो है रफ्तार भाई ने बहुत चीजें ऐसी जो है वो एक्सपोज करी थी कि भाई अभी मैंने तेरे लिए बहुत करा बट हाँ एवरी पर्सन हैव देयर ओन ईगो हैव ओन सेल्फ रिस्पेक्ट तो एमिवे को वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा जिसके कारण उसने डिस कर दिया उसके बाद रफ्तार ने भी डिस कर दिया एंड ये डिस हमारा 9th नंबर पे फेवरेट डिस बन गया सो उसके बाद हम चलते हैं 8th ट्रैक पे सो भाई 8th नंबर पे तुम लोग सोच रहे होगे कौन सा होगा गाना सो भाई मैंने ये गाना डिस्कवर किया विच इज well, no. गाने का नाम है गाउंटलेट 2.0 बाय रैप टीमन भाई ये जब मैंने गाना सुना स्टार्टिंग में मेरे को लगा यार इट्स अ नॉर्मल सॉन्ग बट व्हेन बीट गोस चेंज सेकंडली थर्डली भाई आई रियलाइज दैट ही इज वेरी ब्रूटल इन द गेम मैन यार बहुत सुकून से बैठा था मैं चुप था पर इन लोगों ने मांगा यार हाथ फिला फिला के मांगा देना तो बनता है तेरी हरकत को पैर पे कुल्हाड़ी कहते अंदर डाल तेरी कान मेरा पिच फॉक खोले रैप की नमा ये साले टिकटॉक खोले एमएनएम बोहेमिया को देखे रैप शुरू और यही बेटे कुल तेरी हिप हॉप नॉलेज लुली से दैट लाइन वाज वेरी वेरी ब्रूटल भाई जब मैंने ये चीज सुनी कि लाइक यार इस बंदे ने इसको ये बोला भाई आई एम आई फीलिंग लाइक यार भाई नॉलेज रखी है इस बंदे ने यार क्या चीज पे लिख रहा है वो बंदा और क्या इसमें गर्स है दैट टाइम आई रियलाइज दैट दैट रैपर वाज फाइनेस्ट रैपर दिस ट्रैक ही वाज फाइनेस्ट दैट दिस वाज फाइनेस्ट दिस इन दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट दिस इन देसी हिप हॉप आल्सो इन पाकिस्तान भाई बहुत तगड़ा वाला डिस ट्रैक है इसके अलावा भी काफी सारे डिस ट्रैक्स हैं भैन के एंड लाइक चैन के की तरफ से मल्टीपल डिस ट्रैक्स आए थे एंड उमेर ने डिस ट्रैक किया था तलहा अंजुम एज यू नो भाई सो भाई मल्टीपल डिस ट्रैक्स है वहां पर बट दैट है दैट सॉन्ग हैव अ यूनिक थिंग्स लाइक मेरे पहले संभाल तेरी चीन की आर्मी मनाएगी मलाल भाई जिम्मेदार भाई ने दी मार ढाई बजे माई तेरी ढूंढे तुझे बाहर 50 रुपार्स मैंने अभी अभी गिने इतनी सी देर में यू नो हूज विनिंग बोला था मैंने पर रुका नहीं जा रहा खेलो भाई हो गए ना पूरे 2 मिनट लाइक लेट मी से लाइक इट 2 मिनट तुझे लगा कि 2 मिनट ही बोलूंगा मैं पीने चल साइड हो तेरी मेन हो बेटी हाई जोन लोग कहते एंड ही टारगेट ऑन चैन के एंड सनी खान दुरानी सो इस गाने में भाई ने सनी खान दुरानी एंड चैन के दोनों को डिस किया था एंड भाई बहुत पसंदीदा डिस था एंड ये गाना भी मैंने सुना मल्टीपल इस पर वीडियोस भी बन रखे थे इस पर मैंने रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई बिकॉज दैट टाइम मैं रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाता था मैंने ये अभी कुछ समय पहले ही वो किया शुरू किया उसके बाद जो मुझे फेवरेट गाना लगता है भाई विच सॉन्ग विल बी ऑन द 7th नंबर सो भाई द नेम ऑफ दैट सॉन्ग इज Young Leech by Suno, Karma and
Days to the Young Galib, and this song was also too good. और उसमें उसने भाई मतलब जो एक बीफ चल रही थी पहले, उसने एक्सपोज मतलब पहले इनके जस्ट एक दूसरे को जस्ट ऐसे सबलिमिनल्स आते थे, नाम नहीं लेते थे. फिर कर्मा ने एक गाने में नाम लिया, देन उसके बाद उन्होंने कलमकार का नाम लिया, राइट. तो ये सब चीजें देखने के मिली, और उसके बाद ये फुल ऑफ एक डिस ट्रैक हमें देखने के मिले, प्रॉपर बीफ देखने के लिए मिली. जंग गालिब की तरफ से भी अटैक काउंट किया गया और कर्मा की तरफ से भी, बट एक अलग ही लेवल का भाई, मेरे दिमाग में अपना ठिकाना बना लिया था, जो मुझे बहुत ही मजेदार लगा. और एक चीज और मजेदार मेरे को लगती है, वो भी आपको मैं इस गाने में सुनाऊंगा. सो अभी ये सुनो. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. That part was also good, but जो आगे आने वाला है, I can't avoid. वो थी एक वार्निंग तो ट्रैक पे रहम रखा, सोचा ये सैवेज है इस गांडू ने वहम रखा. जार नहीं चमक रहा तो चश्मा क्यों है वीडियो पे, सुना ग्रुप्स पे लिखा तूने कज अकेला तू सहम रखा. जानता के लाइक कर्मा ने इसको बोला कि भाई जो तू गाने लिख रहा है वो तेरे खुद के लिखे नहीं हुए, गोस्ट राइट करवाया तूने, अपने ग्रुप्स में गाना लिखा है, तुम लोग 7-8 बंदे इकट्ठे बैठ के गाना लिख रहे हो, लाइक इससे तुझसे लिख नहीं हो रही है, उसने मास्क पहन के रखा है. कौन तेरा गुरु है, तेरा लास्ट उसी का हूँ. एंड मेन थिंग इज दैट कि भाई इस बंदे ने जो चीज बोली कि यो नाज जैसा सेम उसी जैसा लग रहा था, वो जा रहा था भाई सीधा हेमिंग्वे को. बेटा गोटे आने वाले तेरे मुंह में, तेरे करियर से बड़े तो तेरे बूब्स हैं. असल में यंग गालिब कंगाल है, इसको बोला मत पंगाले, काम है भंगा ना बनना, मैं करना फंदा है जंजाल है, पूरी लेबल बुला के सिंगल हैंडेड ही तबाए लूंगा अकेले. भाई सॉरी फॉर द कट दैट सॉन्ग भाई, मैं माफी मांगना चाहूंगा, बट भाई कर्मा इज अ लिरिकल जीनियस, एंड इस ट्रैक में कर्मा ने बहुत फाइन वे से यंग गालिब को डिमोलिश किया. बदनाम मैं कर्मा फंदा है जंजाल है, पूरी लेबल बुला के सिंगल हैंडेड ही तबाए लूंगा अकेला, संभाल तू बंदे 45 मंगा ले, तू लेबल का नौकर मैं इंडिपेंडेंट, नया कार्ड देख रिवर्स में यू नो दिखा रहा, तूने खुद नहीं लिखा तभी लिप सिंक नहीं हुआ, तभी मास्क पहन लिया तभी मुंह. मैं इसलिए पॉज किया भाई बिकॉज जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई इसमें एक चीज ऐसी है जो मेरे को बहुत पसंद है, वो ये है. दिखा रहा फर्स्ट ऑफ फक योर हुड एंड द क्लिक यू क्लेम, तेरी आवाज कांप गई, आई कैन सी दैट योर टेम इंग्लिश नहीं आता. एंड ये पार्ट मेरे को बहुत पसंद लगा भाई इस गाने में. एंड इसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जिसमें काउंटर किए, एंड ऐसा नहीं है कि यंग गालिब की तरफ से गाने जो है डिस्ट्रैक्ट जो है वो सही नहीं थे भाई, की तरफ से बहुत खतरनाक डिस्ट्रैक्ट किए गए दोनों दोनों तरफ से, काउंटर बढ़िया थे भाई. एक बंटा रेकर्ड में बहुत आर्टिस्ट एक बहुत बढ़िया है जिसका नाम है हेलेक, तो अभी शायद वो है नहीं है, उसका भी एक गाना मेरे को उस टाइम पे बहुत, अगर ये गाना नहीं होता ना भाई आया हुआ अभी, तो वो मेरी टॉप 10 लिस्ट में होता गाना, नाम लेने वाला वो इस नंबर पे होता, मतलब 10th नंबर पे वो गाना होता अगर ये गाना नहीं आया होता. इस गाने की वजह से ये गाना आ गया 7th 8th नंबर पे, सॉरी 7th नंबर पे, एंड वो गाना 11th पे चला गया जो गाने का नाम था नाम ले ले. एंड भाई वो थी सही गाना था भाई, उसमें उसने इतने तगड़े तगड़े वर्सेस फ्लो यूज किए हुआ, लाइक भाई वो भी तगड़ा आर्टिस्ट है हेलेक, शाउट आउट टू हेलेक मैन. एंड ये गाना था जो मेरे 7th नंबर पे मेरी लिस्ट में है. उसके बाद भाई मैं सर्च करके तुम लोग को बताऊंगा कि 6th नंबर पे कौन सा ट्रैक लगेगा. यस यू गाइस गॉट माय पॉइंट. ओके सुनो था तुम लोग सोच रहे कि भाई ये 6th नंबर पे गाना नहीं आना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा माइंडसेट, पर भाई ये मेरा है, मैं ही लेके आऊंगा, और मेरे को जो गाना पसंद आएगा मैं उसको टॉप पे लेके आऊंगा, जो नहीं आएगा उसको मैं बॉटम पे लेके आऊंगा. मूव फार इज वेरी वर्सेटाइल विद हिज डिस ट्रैक्स भाई, बहुत तगड़े तगड़े गाने, और उस टाइम पे मूव फार ने गाने की हाइप बनाई थी भाई इंडस्ट्री में, एंड आई लव दैट सॉन्ग भाई. सुनो कि मुझे इस गाने में क्या चीज पसंद आई थी, मैं चेक कर लूँ मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत मजेदार कैमरा चल रहा है. तो भाई भूत बनेगा जब जब मेरा मूड बनेगा, भूत बनेगा रियली. मैं जब ये मैंने जब ये गाना सुनना था ना यार, मेरे मेरे फ्रेंड ने मेरे को भेजा कि भाई कृष्णा की तरफ से गाना डिस चल रहा है, उधर से डिस चल रहा है ये सब, तो मैं तब आई थिंक मैं भाली में, सो मैं सोया हुआ था, रात का टाइम था, एंड भाई ने मेरे को ये गाना भेजा भाई, मैंने ओपन ही नहीं किया भाई, जब मैंने इसको वो देखा मैं क्या यार ये तो लाइक उसने पोस्टर बना रखा हुआ था भूत वाला, और मेरे को भाई मैं नहीं सोच रहा था क्योंकि मैं पूरे फ्लैट में मैं अकेला था भाई, मैंने सोचा इसको सुबह ही सुनेंगे भाई, उसका मैंने कवर आर्ट देख के नहीं सुना गाना, तो मैंने सुना सुबह सुना, देन आई रियलाइज कि भाई मुझे ये पहले सुन लेना चाहिए, रात को मजेदार था. एंड भाई चलो
भूत बनेगा, जब जब मेरा मूड बनेगा तब तब तेरा भूत बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई मूव फॉर विद हिज पेन इज अ जीनियस। With his pen, Mufar is a killer, bhai. And also when Mufar is on the studio and he is attack on a guy, so bhai Mufar haar ke rakh lega. Aur wo usne kar diya. Jab jab mera mood banega, tab tab tera bhoot banega. Unch neech ka papda, kalamkar ka favda, Gurgaon ka mazdoor tu apni hi kabar khod raha hai bavda. Haan bhai Pinky chinal hai, kya haal? Suna hai tu Pink se ho gaya lal. Bimariyan dimag ki hai, color blind hai, har gaanje ki jagah phuke peela maal. Tujhe na apne ka shauk use naachne ka, ghatiya awaaz mein mic pe paadne ka leak kiya gaana taki challenge na jeetu, khauf dekho Mufar se haarne ka. Mufar naam tujhko nahi khaas laga, tujhe behne ke ghode ko khaas laga, tujhe laga tu kha gaya mujhe jab tere muh mein lachili haddi wala maas rakha. Mera haath utha to koh Ram likha, meri aankh jhuka de sare aam nikah fame. हाथ का मैल खेल पाए हाथ का, जहाँ हिंदी में एक महाराज लिखा। औसत मैं बताऊं तो बहुत सख्त मैं, फ्री फंड तेरी लूंगा बढ़िया मौसम में, कलमकार से मिलते हैं भाई को पैसे पर पर्चियां कट रही हैं 64 पे बजे खा। That's why this song on the 6th number on my list, because भाई ये गाना बहुत सही लगा मेरे को, and I hope कि तुम लोगों को भी ये गाना बहुत पसंद आया। अपने पेन गेम, अपने राइम्स, अपने बार्स, अपने सबलिमिनल्स, क्या सबलिमिनल्स, मुंह पे नाम लेके बोल रहा भाई। एंड मूफा ने प्रूव कर दिया था उस टाइम पे कि I'm a motherfucking beef rapper. So, बहुत मजेदार सॉन्ग था। This song was also too good, भाई मेरे को बहुत सही लगा गाना। And मेरे को इस गाने में अभी भी वही वाइब आती है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कृष्णा को नहीं सुनता, मुफार को नहीं सुनता, I'm a DHS lover, मैं सभी को सुनता हूँ। एमिवे को भी सुनता हूँ मैं, रफ्तार, बादशाह, कृष्णा सबको सुनता हूँ मैं मॉब डी को भी सुनता हूँ, और मैं ग्रेविटी को भी सुनता हूँ, मैं हाइक को भी सुनता हूँ, और मैं क्या नाम है उसका भाई किंग को भी सुनता हूँ, मैं बादशाह को भी सुनता हूँ, मैं हनी सिंह को भी सुनता हूँ, मैं DHS नंबर हूँ सीधे मौत को भी सुनता हूँ मैं, और मैं एमसी स्टैन को भी सुनता हूँ मैं, SOS को भी सुनता हूँ मैं, और मैं भाई पाकिस्तान से तलहा यूनुस, तलहा अंजुम, मेजी रिवाइन, मुंबई के रैपर डीजी मॉडल लाइक हैलेक, बंटाई रैकर्स, मैं सबको सुनता हूँ भाई, और जिस पर शोर देने होते हैं उस पर दे भी देता हूँ। लाइक मेरे गाने तुम लोगों ने अगर नहीं सुने तो सुन लेना जाके मेरे दूसरे चैनल पर, ओजी रिएक्शन के ओजी म्यूजिक के चैनल पर, मैंने वहां पर फ्री स्टाइल्स में बहुत लोगों को डिस किया हुआ। अगर तो तुम लोग समझ गए तो समझ गए, ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगा तुम लोगों का टाइम। तो दिस सॉन्ग वाज ऑन द 6th नंबर इन माय लिस्ट, अभी आ रहा हूं 5th नंबर पे। तो भाई 6th नंबर पे मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो है जहन्नुम भाई रागा। तो भाई रागा भाई मैन ड्रॉप भाई, मतलब मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों ने घर की गाना सुना, एंड हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि भाई रागा भाई, रागा भाई, मतलब इस बंदे ने सीरियसली इस बंदे ने क्या कर दिया यार। एंड उसके बाद भाई ये गाना मेरा फेवरेट बन गया, और मैं इसको बीच बीच में सुनता रहता हूँ। लाइक मेरे जो फेवरेट सॉन्ग था ना, मैं इसको सुनता रहता हूँ, इन गानों को, ये उसी बीच फेवरेट से गाने हैं मेरे। ये मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रहा था, ये काफी दिनों से, तो मैंने सोचा कि शेयर कर दिया जाए। लेट्स चेक एंड लेट्स गो व्हाट द सॉन्ग इज। क्या दे ऑलरेडी नो व्हाट इट इज, इस बार तेरी ढंग से लेने में मजा आएगा, और हां अपना वर्ड प्ले अपनी गांड में ले ले, जाके बैठ जा मम्मी के पल्लू में, ये दुनिया जहन्नुम है। वन थिंग इज जो मैं मिस कर गया, सॉरी गाइस, मैं इसे फिर से शुरू कर दूंगा। जो मैं मिस कर गया कि ये रागा ने ट्विस्ट किया था अपना क्या नाम है मुफार को, ऐसा हुआ कि मुफार रागा ने एक दूसरे को डिस किया है, एक दूसरे के लेबल्स को बोला है शोरसी हैं, बट ये उन डिस में से बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही आला दर्जे का डिस। अपना वर्ड प्ले अपनी गांड में ले ले, जाके बैठ जा मम्मी के पल्लू में, ये दुनिया जहन्नुम है, अगले बार पड़े चीरा ना गल्लों पे, ये दुनिया जहन्नुम है, जाके बैठ जा मम्मी के पल्लू में, ये दुनिया जहन्नुम है, तेरे जैसे पिटते हैं रोज मोहल्ले में, ये दुनिया जहन्नुम है, कलाकार था बन गया सीन की रांड, अभी हमारा आएगा तीन से गांड, मुझको ना पड़े तेरी रस्ती भर भी, तेरी पहले भी मार थी फिर से है लाल, चौक चढ़ा है तुझे धंधे का, तेरे बाप ने करा तुझे अनदेखा, हर बार बताएगा अपना पता, बेटा घंटा घर पे अब लड़ लेगा, नो मो क्वेश्चन, इसे हिजड़ा भी हमने बनाया, कृष्णा ने करा तेरा। Man, oh man, that time when I was listening that song, मैं कांप गया था कसम से। 2020 में ये गाना आया था, मैं कांप गया था कि भाई ये लेवल पे है आगा भाई, और ये आगा भाई कहाँ तक आ जाते हैं, अगर डिस करना हो और किसी को डिस गेम में हराना हो। एंड देन आई रियलाइज दैट कि भाई लोग बहुत ब्रूटल हो रहे हैं, बहुत ब्रूटल हो रहे हैं। बट उसके बाद मैंने जब ये गाना सुना, मेरे को फील आने लगा, मैं मल्टीपल टाइम इस गाने को सुनता रहा, मैंने बहुत बार सुना इस गाने को।
उसके बाद और भी गाने थे, और ये गाना मेरे को इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है भाई, इसकी बीट्स के कारण, राघा भाई के फ्लोज के कारण, लाइक मैं क्या ही बोलूँ भाई, मैं गालियाँ नहीं देता हूँ, बट ऑल ओवर सॉन्ग वाज सो गुड, बहुत मजेदार था। एंड राघा भाई ने जो इस पे फ्लो स्विचेस, काउंटर्स, बार्स, रेफरेंसेस एंड वर्ड प्ले, दैट वाज आल्सो गुड। एंड भाई राघा भाई, ये गाना आ गया मेरे सॉन्ग लिस्ट के 5वें नंबर पे। चौथे नंबर पे तुम लोग सोच रहे कि भाई अभी तक मैंने इंडिया के सबसे तगड़े 20 आर्टिस्ट का नाम ही नहीं लिया, सो लेट्स लेट्स मैं तुम लोगों को खुश कर दूं, चौथे नंबर पे जो गाना है वो यस उसी का है, लगा दूं। चलो यस, यू ऐसा थिंक कि मैं ये नहीं लगाया, ये लगाया चौथे नंबर पे भाई, वो मेरा वाइब है। तो मैंने इस गाने को सुना एंड आई रियली लाइक दैट सॉन्ग, इसका कि आई चूसम वाले तो इसमें भाई एनी वे ने बहुत देर के बाद कृष्णा को डिस करा, एंड कृष्णा ने उसपे उसको फिर से डिस करा, देन अगेन एमी बे ने कृष्णा को डिस किया। भाई कृष्णा ने एमी बे को बहुत देर पहले डिस किया था, आई थिंक 1.5 2 साल पहले, उसके बाद एमी बे शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। देन आफ्टर दैट एमी बे की तरफ से चूसम्बा ट्रैक जो है वो रिलीज किया आफ्टर 2 एंड 2.5 ईयर्स। सो भाई ये गाना जो मैंने सुना, मेरे को किसी ने बोला भाई डिस आ गया, व्हेन आई रियलाइज दैट कि भाई एमी बे का डिस है तो खतरनाक होगा, बिकॉज द बीफ ऑफ हनी सिंह एंड एमी बे बंटाई, वी ऑल आर विक्टिम की भाई वो बीफ कितना तगड़ा था। देन उसके बाद जब मैंने चूसम्बा सुना तो भाई ये सॉन्ग मुझे इतना पसंद आया, ये मेरी लिस्ट में आ गया चौथे नंबर पे। Here we go again. रिफ्लेक्स का तो बीट बॉय क्या बोलते छोटे सुधरे नहीं तुम अब तक। लाइक एवरी वे हैव अ डिफरेंट वे टू डिफरेंट वे टू मेक यू बुली, लाइक भाई एमी वे का एक अलग ही आर्टिकल, लाइक सुधरे नहीं तुम लोग अभी तक है इड़े चाले, लाइक दैट दैट थिंग इज वेरी गुड। भाई एमी वे के पास वो चीजें हैं, एंड ही प्रूव हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम इन द गेम इन द सीन, लाइक ऑल द फकिंग बीफ रैपर छोटे कम आउट टू प्ले हाचू संभाले इन्हें लगा हुआ बनता है का रैप अप बिच आई एम बैक जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हरा ले ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करू शूट सीधा बैकअप इन्हें लगा हुआ बनता है का रैप अप बिच आई एम बैक जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हरा ले ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करू शूट सीधा बैकअप असल में मसल में दूंगा मैं ठसल में बैठेला कसम में खा रेला बस सब मैं कर दूंगा बस सब मैं झेलूंगा नहीं खिला दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं सोच इनकी बचकर ने इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी शक्ल में तो जस्ता नहीं मुंबई के सड़कों पे पीएसजी की एल है बचके गुम बचकाने बचकाने स्वैग मेरा देसी है। लाइक ही इज जस्ट एग्रेसिव रैपर भाई। एनीवे जब अपने पूरी नहर होता है जब एनीवे प्रो होता ना देन ही विल बिकम द जीनियस इन द गेम भाई, ही विल बिकम द किंग इन द गेम भाई। ये बहुत गंदे तरीके से बंदे को जलील कर देता है एंड उस लेवल तक लेके चला जाता है जिस लेवल तक कोई सोच भी नहीं सकता। एंड एमीवे ने कृष्णा को डिस किया था 2.5 साल के बाद, एंड मल्टीपल थिंग्स जो कृष्णा ने 2.5 साल पहले उसको डिस में बोली थी वो एमीवे ने काउंटर करी, लाइक द सेम थिंग व्हेन जब एमिनम को किसी ने डिस किया था, लाइक वो क्या नाम था उस रैपर का, कोई याद नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड एमीवे एमिनम ने भी मल्टीपल बहुत देर के बाद उसको डिस्ट्रैक्ट कर रिप्लाई किया था बिकॉज उसको सुना ही नहीं था उसने गाना, तो एमिनम ने भी वही किया था। एंड एमीवे डज सेम थिंग, माइट बी एमीवे ने वो गाना सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट आई होप कि भाई ने सुना होगा, उस पहले भी वो गाना सुना होगा, बट उन्होंने रिप्लाई देना सही नहीं समझा, सही मौके पर उन्होंने रिप्लाई दिया। मल्टीपल लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एमीवे का फेम चला गया था, भाई ऐसा नहीं है, उस बंदे के पास फेम शुरू से था, एंड भाई ये बंदा शुरू से डिजर्विंग था एंड तभी तो भाई टॉप चार्ट्स में रहता है। दिस सॉन्ग यहाँ पे बहुत तगड़ा, ये मैंने आगे इसलिए किया कि तुम लोगों को आगे की चीज सुना दूं, यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन्स है जो मेरे को बहुत पसंद पर रहता है इनके मुंह पे, अपन को मालूम है अपन कहाँ पर है इसलिए तो भाई तेरा चुप है, अपने धूप ये सारे परछाई गांड में नहीं दम इसके भिड़ने को भाई, लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए क्योंकि ये लिख नहीं पा रहा था भाई, तो भेजा छिनाल को डॉलर जला देगा भाई तेरा पाबलो, मुंह फाड़ने खुला हराया था। दैट लाइन वाज माय फेवरेट लाइन की लिख रहा था, लाइक ही सेड लाइक डॉलर जला देगा भाई तेरा पाबलो, भाई मल्टीपल थिंग्स व्हिच डज इन दिस ट्रैक भाई,
सो एमिवे ने बहुत सही तरीके से काउंटर किए कृष्णा के ऊपर, एंड कृष्णा का जो नाम था उसको प्रॉपर तरीके से डिमोलिश किया अपने डिस्ट्रैक्ट्स में, एंड कहीं हद तक वो होना चाहिए था, बट होता है भाई, बीफ के बाद दोनों रैपर्स को हाइप मिलता है, हाइप मिलता है, कृष्णा को मिला, एमिवे को मिला, बट ऐसा नहीं है कि भाई अगर बीफ के बाद उनको हाइप मिला है तो उसके पहले उनके पास कुछ नहीं था, उन लोगों के पास नाम पहले भी था। उस बीफ के बाद फिर से उन लोगों के पास और हाइप बढ़ गई और लोगों ने जानने लगे जो कि पहले उनको नहीं जानते थे। सो दिस वाज द ट्रैक्स व्हिच इज ऑन माय 10 टॉप बॉटम सिक्स, सो बॉटम सिक्स नहीं बॉटम सेवन। अभी लगे टॉप के 3 जो मैं तुम लोगों को जिनके साथ अभी इंटरव्यूज करवाऊंगा। भाई मैं फिर से एक ही बात बोल रहा हूँ, दिस ऑल इज ऑन माय ओपिनियन, नॉट फॉर एवरी एनी सिंगल पर्सन, किसी और के ओपिनियंस नहीं है, ये सिर्फ मेरे ओपिनियन है, जो मुझे गाना सही लगा मैंने वो डाला, वो अपनी मर्जी से डाला, तुम लोग क्या कर सकते, कर लो ना यार जो करना है तुम लोगों ने, बट भाई तुम लोग मेरे दोस्त हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई ये गाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था, और कौन सा गाना कहाँ पर होना चाहिए था, वो चीजें। इसके बाद एमिवे का ही एक और सॉन्ग जो कि मुझे बहुत सही लगता है, जो कि टॉप 3 में रहना डिजर्व करता है, एंड वी ऑल नो दैट सॉन्ग इज दिस। गाने का नाम है KR-DASH। सो एमिवे ने कृष्णा के ऊपर मल्टीपल डिस किए थे, दो डिस ट्रैक्स, थ्री तीन डिस ट्रैक्स किए थे, जिसमें से दो मेरे को बहुत तगड़े लगे, लाइक चूसम्बा एंड लाइक KR-DASH साइन। सो इन KR-DASH साइन एमिवे ने भाई सब कुछ भूल के जस्ट पेन पे फोकस किया एंड अपने लिरिक्स पे फोकस किया, एंड जो वो पहले भी करता आ रहा था भाई अगले बंद को कैसे खत्म करना है उन सब चीजों के ऊपर फोकस करके पूरे 8 मिनट 11 सेकंड का एक गाना बना दिया, एंड क्या है KR-DASH साइन, एंड दैट सॉन्ग इज द गेम टॉप 3। बातें अब होगी सुनामी से, नाम है बन टाएगा छोटे, तभी तो ये चल रहे मेरे बदनामी से। बेटा पापा आ गया वापस, डैडीज होम। यस बेटा आ गया मैं वापस, ना थोड़ा बाहर गया था काम से। Just he just mimic to Krishna in the stage and in the start like daddy's home। बहुत चीजें ऐसी हमें देखने के लिए भाई, समटाइम कि भाई बीफ में जैसे मुफार एंड कृष्णा में हमें देखने के लिए मिला था कि भाई कृष्णा एंड मुफार वो जो नर्सरी राइम्स कर रहे थे, नर्सरी पॉइंट्स को उठा करके गेम बना रहे थे, सीन राइम्स बना रहे थे एंड रिस्ट बना रहे थे। इन दिस सीन वी सीन दैट कि भाई क्या नाम है, एमिवे एंड कृष्णा एक दूसरे के गाने को मिमिक कर रहे थे भाई, मल्टीपल सॉन्ग्स में हमें देखने के लिए मिल गया, एंड एमिवे ने करा सेम कृष्णा ने। आवाज कम करो बेटा जरा, फैन से बुलाता है तू फक एमिवे, मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक एमिवे, आ पिलने को तुझे बेटा दिन रात, फैंस तेरे बोलेंगे अब बस एमिवे, फैन से बुलाता है तू फक एमिवे, मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक एमिवे, आ पिलने को तुझे बेटा दिन रात, फैंस तेरे बोलेंगे अब बस एमिवे, तू और तेरा गैंग ठसने लगा है, कोल्ड वाइब वाला रैपर अभी हंसने लगा है, मैं हूं वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम, जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है, करा मैंने काम इतने साल बिना नींद, ले दिया तुझे डेस पूरा किया तेरा ड्रीम बना नहीं, मैं इस गाने में खड़वा कैसे की एक्टिंग करेला ये भड़वा, गुड़ वाला लंड पकड़ के लटके जा रहा, लौड़े के काफी और वो इसने शो कर दिया इस ट्रैक में, काफी चीजें ऐसी हमें देखने के लिए मिली भाई तुम लोग, बट काउंटर्स पे काउंटर्स, उसके बाद बार्स पे बार्स, एंड उसके बाद भाई बहुत तगड़े राइम्स, बहुत तगड़े रेफरेंसेस, बहुत तगड़ी चीजें, एक्सपोजिव बहुत सब कुछ हमें देखने के लिए मिला, लाइक कृष्णा ने कुछ चीजें एक्सपोज करी थी उसका रिप्लाई हमें देखने के लिए मिली है। तुम सो ना पाओ, ले झंडे रे तू और बंटा है लेजेंड, रास्ता नहीं मेरे आगे, मैं हूँ तेरा डेड एंड, जन्नती सोच इसलिए लाइफ मेरा हेवन, सीआर का मारे मैं CR7, बॉल इन नेमार, मेसी है लाइफ, तेरी जिंदगी है बेकार, ऑनेस्टली लाइक ही से लाइक कृष्णा का वर्स बॉल इन नेमार ड्रिल इन एचआर, तो उसी को भाई ने फिर से मिमिक किया, बॉल इन मेसी है लाइफ तेरी का Like, ऐसे तो ये सब चीजें इस डिस्ट्रैक्ट में मिली है, इस वजह से ये डिस्ट्रैक्ट मुझे पसंद आया एंड मेरे टॉप लिस्ट में नंबर 3 पर ये गाना आ गया। सो दिस इज ऑल सॉन्ग्स विच इन नंबर 3। नंबर 2 की लिस्ट पे मेरे
जो मेरी नंबर टू की लिस्ट है उसमें मैंने दो सॉन्ग्स के ऊपर बहुत ज्यादा सोचा, लड़ाई किया, एंड भाई मैं नहीं डिसाइड कर पाया कि उन दोनों सॉन्ग्स पर ब्रुटैलिटी के नाम पे मैं किसको पहले पे रखूंगा, किसको दूसरे पे। सो भाई मैं दोनों सॉन्ग्स प्ले करूंगा, तुम लोग मुझे बता दो कि दूसरे नंबर पर किसको रखूंगा और पहले नंबर पर किसको। पहले मैं वो सॉन्ग प्ले करूंगा जो पहले आया था और दूसरे नंबर पे वो सॉन्ग प्ले करूंगा जो दूसरे नंबर पे आया था। एंड यू ऑल नो कि ये दोनों गाने किसके होने वाले हैं। यस यस वाकसाम, ये ऑफिशियल पेज पे आया था यार ये गाना, एंड कृष्णा की तरफ से डिस किया गया था मुफार को। एंड वन थिंग इज दैट कि मुफार के घर के सामने ग्राउंड है, वहां पर उन्होंने इसका वीडियो शूट किया। एंड इस डिस ट्रैक में हमें वो सब चीजें देखने के मिली जो हमें प्रॉपर टेस्ट ट्रैक में देखने के लिए मिलती है, लाइक फ्लो, बार्स, रेफरेंसेस, एंड राइम्स, एंड लाइक टेक्निकलिटी, लिरिक्स। भाई लिरिक्स आपको तो पता है कृष्णा के लिरिक्स कितने ज्यादा टेक्निकल होते हैं, एंड बहुत ही जीनियस वे से इसका वीडियो शूट किया गया है। पूरे लाइन क्रॉस करें, पूरे लाइन क्रॉस करें, मैं एक और बार लाइन क्रॉस करूंगा, आखिरी बार, आखिरी बार। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है, कृष्णा अब ले रहा तेरी क्या करे, क्या करोट में इस गेम में बंदा है नहीं, मेरी गलती करी नाम को लेकर है, फेकर है, मरेगा तो करेगा ना मिस कोई, रैप की लुगाई लगता है तू मिस कोई, जब तक तेरा फायदा था तू भी कर रहा था रा जैसे मटन वाली डिश कोई झटका। He's just saying to move on, like कि भाई जब तुझे फायदा था, जब सब कुछ तेरे लिए ठीक था, then you are with the रफ्तार, और तू से बोल रहा था रा 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 बोलेगा जाके मम्मा को, उनको तो मैं हमेशा करता रिस्पेक्ट, उनकी क्या गलती बेटा निकला निकम्मा जो बाबा 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 ब्लैक शीप। That thing which I मैंने अभी पीछे इस पर जिक्र किया था, लाइक इस गेम में, इस चीज बैटल में हमें काफी चीजें ऐसी देखने के मिली जिसमें कृष्णा ने और मुफा नर्सरी क्राइम्स को जो है लाइक राइम किया है, डिस बनाया है, बहुत सही चीजें बनाई है, बहुत सही भी लग रही थी। हर ट्रैक पे मैं लगता हूँ एथलीट, फैक्ट चाहिए तो फैक्ट यही है कि तेरे गानों में मेरे बारे में कोई फैक्ट नहीं है, करूँ तो कलमकार में हूँ पार्टनर, इसका मतलब छोटे मैं किसी के भी नीचे नहीं, नीचे तो तू अंशुल और टोनी के मिशनरी, शायद तेरी लेते खड़े होके तेरे पीछे भी, कितने में बिकेगा तू दाम दे, नो जॉब वाला लगता तू नाम से। And that part was too good. और ये चीज मेरे को बहुत पसंद आई थी, when he said like bro जो वाला लगे था तो नाम से, and उसका नाम move आ रहा है, and he said बहुत सही rhyme किया, and बहुत ही counter किया कृष्णा ने, and भाई उस चीज को move आ भी मतलब एक time पे ऐसा होता है कि कोई बंदा तुम्हारे नाम के ऊपर ही ऐसी चीज बना दे, and you can realize that किया, हाँ, and I hope कि ऐसा होगा, but move आ is very वेरी पॉजिटिव एक्टर, पॉजिटिव रैपर, एंड भाई वो बहुत ही अलग लेवल का रैपर है, एंड वो किसी की परवाह नहीं करता। बट कृष्णा ने इस गाने में प्रॉपरली डिमोलिश कर दिया था मुफार को, एंड ऐसा नहीं था कि बीफ में कोई ऊपर था कोई नीचे था, बराबर की टक्कर दोनों एक दूसरे को दे रहे थे, एंड आई बट मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था। इसमें कृष्णा ने बंटाई रखा, एंड मीन एमी में बंटाई पर भी शॉर्ट्स लिए थे, लाइक दिस वाज द डिश फ्रॉम कृष्णा टू मुफा, शॉर्ट्स लिए गए थे, दो लिए गए थे बंटाई पर। सो दिस वाज ऑन द सेकंड, एंड वन मोर सॉन्ग इज स्टक ऑन द सेकंड। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं किसको सेकंड पे रखूं किसको ना रखूं, नीचे कर देता तो भाई नीचे चला जाता, बट ये गाना भी मेरे को बहुत सही लगता है। तो भाई मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ जो मैंने इसके साथ सेकंड पर रखा हुआ है, एंड दिस इज मचांगे फॉर भाई अगेन द डॉलर साइन, एंड भाई एंड आई न्यू दैट कि भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये गाना क्यों, काफी सारे और गाने थे, किसी को पहले पे इसको पहले पे रख देता भाई,
पहले पे तो भाई मैंने आज तक जो गाना सुना है ना भाई, वो मेरे को वही पहले पे लगता है, सबसे ब्रूटल सबसे खतरनाक, वो मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ भाई। ये गाना भी डिजर्विंग था, ये बहुत तगड़े आर्टिस्ट है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग गाने बना रहे हैं और उनके डिस्ट्रैक्स मेरे को पसंद नहीं आते भाई, डिस्ट्रैक्स बढ़िया होते हैं, बट अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे को 10 डिस्ट्रैक्स जो है उनमें से निकालने थे, वो मैंने निकाल दी, 11 थे, बट मैंने दूसरे नंबर पे ये दोनों को रख दिया। एंड दोनों में से भाई एक माँ कसम एंड एक जो है मचाएंगे बोल। आप मुझे बता दीजिए भाई कि क्या करना है इसमें, बिकॉज इन दोनों डिस्ट्रैक्ट में एक सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या है कि भाई माँ कसम जो गाना था वो मुफार था, अपकमिंग सॉन्ग था, जो जिसका टाइटल जो है कृष्णा ने पहले उठा के उस पर गाना बना दिया, लाइक तेरे माँ कसम के ऊपर मैंने माँ कसम बना दी। देन उसके बाद मचाएंगे फॉर एज वी नो कि मचाएंगे सीरीज एमवी में बनता है कि बहुत पॉपुलर थी, बट मचाएंगे 3 के बाद मचाएंगे 4 नहीं आया था, तो एमवी की तरफ से मचाएंगे 4 आने से पहले ही कृष्णा ने अपनी तरफ से मचाएंगे 4 एज ए डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया फॉर द एमवी बनता है एंड वी ऑल आर विक्टिम्स की। ये गाना कितना खतरनाक दिस था, लेट्स चेक एंड लेट्स गो। लिल बंटी तुम्हारे अब्बू आ गए फिर। पापा पापा आप फिर आ गए। मुबारक हो मिली है मौत, तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गिली है बहुत। बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार हार, अब मिलेगा डिनर में एल एल, इसके मुंह से टपकेगी लार लार, रैप का दीपक का लाल लाल, क्यों आके मरा रहा हर बार, मैं खारा करा रे तू कोटो से करा गरा रे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली कबर तेरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप, अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मादर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला कोट। इस सॉन्ग में मेन चीज ये मेरे को क्या पसंद आई थी भाई, कृष्णा का वर्ड प्ले बहुत लगा है एंड कृष्णा के लिरिक्स के एक नहीं चार चार मतलब निकाल सकते हो, एंड जिस पास भाई इतना माइंड है जो इस बंदे के लिरिक्स ब्रेक डाउन कर सके वो करते हैं, ठीक है भाई। मेरे को भी पहली बार में ये सब चीजें समझ नहीं आती थी एंड मैं लिरिक्स समझ ही नहीं पाता था। आई एम जस्ट चेकिंग दैट नॉर्मली टू द लिरिक्स ऑफ दैट सॉन्ग कि भाई मैं नॉर्मली लेके जा सकता था, बट व्हेन आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स व्हाट ही सेइंग, फिर मुझे पता लगा कि भाई कितने गहराई में ये गाना जा रहा है, लाइक लुवाड़ान हर बात ऐसे। भाई अगर मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन करने बैठ गया तो बहुत समय निकल जाएगा, आप लोगों को पता है ब्रेक डाउन इसके ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाके सुन सकते हो। मेरे को ये गाना इसलिए बढ़िया लगा बिकॉज इसमें कृष्णा ने बहुत सारे काउंटर्स किए हैं एमवीवे के होल जो के आर डैश साइन जो था उसके ऊपर, उसके बाद कृष्णा की तरफ से मल्टीपल शॉट्स लिए गए एमवीवे की गर्लफ्रेंड के ऊपर, एज वी नो दैट भाई इसमें कृष्णा ने इसका नाम लिया एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हुई इस पर कृष्णा ने वर्क किया। एंड ऐसा नहीं है कि भाई उसने उस पर शॉट्स लिए इसलिए मेरे को ये गाना पसंद है, ये गाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें कृष्णा ने ऑल ओवर सारे जितने भी एमवीवे ने शॉट्स लिए थे, जितने भी एमवीवे ने काउंटर्स लिए थे, उसका जवाब भाई ने काउंटर किया है इस दिस ट्रैक में। सो दैट्स व्हाई दिस ट्रैक इज ऑन द नंबर ऑफ सरोगेट। ये रैपर अब हंसने लगा है जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है, सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है, लगती तू मियां खलीफा शहीदी है किन्नी तारीफा, आई डोंट नीड अ टिकट और वीजा जस्ट टू गो एंड किक इट लाइक फीफा, होल फैमिली होल्डिंग फ्लावर्स तेरे गोल्डन बार्स को दे दू गोल्डन शावर, अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे शॉट इन मदरफकर, आई एम टॉकिंग अबाउट नो गोल्डन आवर, तू कोठे में बैठा मैं एंड दैट वाज ऑन सेकंड, इसलिए मैंने इन दोनों गानों को सेकंड नंबर पे स्टक किया है। एंड नाउ द टर्न ऑफ माय फेवरेट दिस एवर भाई, वो बहुत ब्रूटल है एंड बहुत गंदा वाला दिस ट्रैक है, एंड भाई वो दिस ट्रैक अगर तुम लोग सुनना चाहते हो देन आई एम गोइंग टू गोइंग टू स्टार्ट द ट्रैक, उसका नाम है या Don't back down by one and only सिकंदर कालू। भाई इस बंदे ने एक बंदे को डिस कर दिया जिसमें 9 मिनट 21 सेकंड उस बंदे की करियर को डिमोलिश, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई डिस के बाद किसी बंदे का करियर डिमोलिश हुआ है, भाई इस बंदे ने इस डिस के बाद उस बंदे का करियर डिमोलिश कर दिया प्रॉपरली एंड उस बंदे का नाम ही खत्म हो रखा है। एंड आई एम नॉट मैंने उस बंदे को दोबारा कभी सुना भी नहीं है, उसका कोई गाना मेरे पास अभी ऐसा आया नहीं है जो मैंने सुना हो। सो दिस इज अ ट्रैक विच आई एम गोइंग टू प्लेस ऑन द नंबर, यस ऑन द नंबर 1 इन माय लिस्ट। गाने का नाम है डोंट बैक डाउन, जिसमें सिकंदर कालो डिस करते हैं द एविडेंस एमसी
एविडेंस जिन्हें अपना नाम चेंज कर लिया था उसके ऊपर भाई। एंड मैं तुम लोगों को अभी से बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने अभी तक हेडफोन सही लगाए थे तो लगा लो, बिकॉज अगर तुम लोग अकेले बैठे हो फिर भी तुम्हारे कान फट जाएंगे ये गाना सुनने के लिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ मोस्ट ब्रूटल डिस ट्रैक एवर इन DHH, नोबडी नोज। अगर तुम लोगों को पता नहीं है वो इस सिकंदर कालू, सो जाओ सर्च करो, ही इज ओजी ऑफ देसी हिप हॉप एंड टॉप चार्ट्स में ये बंदा हमेशा रहेगा। When you're talking about the hip hop in Punjab, when you're talking about the hip hop in India, so इस बंदे का नाम बीच में होना जरूर है। अगर तुम लोग इस बंदे का नाम नहीं रख रहे हो तो भाई you all are not introduced with the hip hop in Punjab and hip hop in India. And main thing is that भाई मैं पंजाबी हूँ और मेरे को इस बंदे का ये diss track इतना अच्छा क्यों लग रहा है। अगर मैं पंजाबी नहीं भी होता तो भाई फिर भी ये diss track मेरे popularity के नंबर पर पहले नंबर पे होता। क्यों? Let's check and let's go. From a friend saying that motherfucker dissed me on the track. Okay. I was like, you can't fuck around me. You can fuck with my mom, but you can't fuck around me. You can't fuck around me. MC Adrolene, I just made a diss of 1 minute of Skandal Karam. Ah, look at him, I'm a beast. I'm a killer. You know, nobody can fuck with me. No count, no one. Well, you can't fuck with me, MC Adrolene. ओए एविडेंस तेरी मारी लन। जेड़े भी बैटल विच मैं आवा थानू पता कालों कालों डोंट बैक डाउन मोहालिया मुंबई मैं जावा यार मेरे उत्थे थानू पता भी डोंट बैक डाउन टका दस गोलियां मारा तेनू या फिर तू देखना रॉ दिस स्मैकडाउन एविडेंस तेरी इन्नी औकात नहीं पर फिर भी थानू पता कालों डोंट बैक डाउन सुनो इदा नाम एविडेंस। हाय वेरी फर्स्ट टाइम आई लिसन दैट सॉन्ग आई जस्ट रियलाइज कि भाई ये लीगल है, ऐसा हो सकता है। एंड उसके बाद भाई जब ये होने के बाद मैंने जब सोचा कि इन फ्यूचर अगर कोई बंदा इस बंदे को काउंटर करता है या इस बंदे के साथ बीफ स्टार्ट करता है सो कितने गंदे तरीके से डिमोलिश हो सकता है, बिकॉज ही हैज डज इन हिज बैक डेज। भाई इस बंदे ने एक बंदे का करियर ही खत्म कर दिया। एंड यू कैन सर्च इफ यू कैन डू, भाई तुम सर्च कर लो तुम्हें पता लग जाएगा कि वो बंदा अभी मतलब दिखता ही नहीं है उसके गाने। हाँ किसी कारणवश या कुछ भी हो सकता है जिस वजह से सिकंदर भाई ने इस गाने को अपने चैनल से रिमूव कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट काफी ऐसे चैनल्स हैं यहाँ पर ये गाना हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो वही सब चीजें हैं, वही सब थिंग्स। पूरा गाना सुनो जाके, डोंट बैक डाउन सर्च करो, मैं पूरा गाना यहाँ पर सुनाऊंगा तो पढ़ सकते हैं, बट मैं सुनाऊंगा बिकॉज मैं पागल हूँ। जी आप पता तेरा बाप है कौन, तेनू अपने नाम दे पीछे लाना पैना कालो चट्टे अपने मैं तेरे मुँह च सुट दे तेरा सारू गया छेती उन्हां नू थुक दे कौन है तेरा बाप सानू सबूत दे तू फेसबुक दे तेरी मम्मी रेड ट्यूब दे तेरी शक्ल मैनू लगे फेमिलियर क्योंकि मैं देखदा सी गस्तियां हर दिन तू ते तेरे प्यो विच एक चीज सिमिलर तुसी दोनों हो वर्जिन ते तेरी That thing he said in his diss track, which thing is very, very, very brutal. अगर तुम लोगों को पंजाबी समझ में नहीं आती है भाई, जाओ इसके बारे में properly search करो। काफी videos आ रखी हैं breakdown की। अगर तुम लोग इसका proper breakdown चाहते हो इस गाने का तो comment section में मुझे बताइए, मैं इसका proper हिंदी में breakdown आपको बता दूंगा इस गाने का क्या क्या इस गाने में है। This song is very, very, very brutal in the game. And भाई रफ्तार में भी ये चीज अपने एक हासल में जब सिकंदर कालू आए थे तब रफ्तार ने भी ये चीज बोली थी कि सिकंदर कालू हैज मेड द ब्रूटल डिस ट्रैक एवर इन DHH। भाई काफी डिस ट्रैक आ चुके हैं, ऐसा कोई नहीं देखा मैंने अभी तक। यस आए थे कुछ गाने बट कुछ हद तक वो मुझे गाने पसंद नहीं आए। कुछ ऐसे गाने हैं लाइक माचो एंगे मोर एमवे का, वो मुझे सही लगता है। इट विल बी इन द लिस्ट इफ मैं 20 टॉप 20 लिस्ट बनाता तो माइट बी इट विल बी इन द लिस्ट। बट कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं लाइक कि जो जिससे वाइब ही नहीं बनती। भाई इस गाने को सुनने के बाद ये गाना फर्स्ट मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि यार रफ्तार का गाना था जो मैंने सुना था फर्स्ट एवर डिस
ये गाना सुना था मैंने फर्स्ट एवर डिस रफ्तार का, सही था मैंने बोला था शाइन में। सो भाई ये फर्स्ट एवर डिस ट्रैक था जो मैंने अपने कानों से सुना था, एंड सुनने के बाद मैं पागल हो गया था, बिकॉज मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सुनाया था गाना, एंड यू जस्ट से टू मी लाइक तू रैपर है, मैंने यस आई एम जस्ट वन बी इन द गेम, बिकॉज मेरे को शर्म नहीं आती थी उस टाइम पे, बिकॉज एवरी वन विल बी द वन बी व्हेन ही स्टार्ट इन दिस गेम व्हेन ही स्टार्ट फॉर एनी थिंग। तो मैंने उसको बोला मैं जस्ट अभी अभी मतलब सुन रहा हूँ थोड़ा बहुत पता है मेरे को, इतना ज्यादा नहीं पता है, लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम हनी सिंह बादशाह एंड ऑल हु वाज ग्रोइंग इन द सीन, बट मुझे अंडरग्राउंड के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। देन ही जस्ट से टू मी भाई यूट्यूब ओपन करा इस गाने को सुन, मैंने जब ये गाना सुना एंड देन आई सेड भाई ये गाना इस लेवल पे ब्रूटल है। एंड उस टाइम पे मैं मतलब हम बहुत घर से बहुत दूर आगे इस गाने को सुन रहे थे, रियली मोहल्ले से दूर आगे, कोई सुन ना लेकिन भाई ये सब चीज चल रही है फोन में, कि कोई सोच लेगा क्या चल रहा है। एंड देन आई रियलाइज कि भाई इज इट लीगल इन दिस गेम भाई साहब, लाइक वॉल्यूम वन के बाद भाई यही ऐसा गाना था जिसमें ये सब चीजें सुनी थी, लाइक वॉल्यूम वन इज डिफरेंट थिंग, बट वो किसी को डिस नहीं था। सो ही दिस इज दिस ट्रैक, एंड ये बंदे ने सीधा सीधा मुंह पे काउंटर किया है, उस बंदे को डिमोलिश कर दिया। एंड जस्ट इमेजिन इन फ्यूचर अगर इस बंदे का किसी के साथ बीफ हो जाता है तो ये बंदा उसको कितना हद तक डाउन कर सकता है विद हिज फैन गेम एंड विद हिज एटीट्यूड, nobody knows भाई। इसका दोबारा से बीफ हुआ सिकंदर भाई का, जो हुआ था सनी मॉल्टन के साथ, जिस पर उसकी तरफ से कोई हमें रिप्लाई देखने के लिए प्रॉपरली मिला नहीं। सिकंदर गालो ने काफी सारे ऐसी चीजें थी जिसको सोच समझ के भाई एक प्रॉपर ईपी निकाला, जिसमें से एक ट्रैक फर्स्ट मैंने 10th नंबर पे अपना रखा हुआ, बिकॉज वो गाना भी मेरे को सही लगता है। दैट वाज ऑल ऑफ माय टॉप 10 ट्रैक्स, एंड यू कैन से टॉप 11 आल्सो, बट दिस इज ऑल व्हिच आई वांट टू शेयर, I just want to share with you guys। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं अपनी चीजें तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपने बारे में, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में मुझे ही पता है और मैं किसी को बता नहीं सकता, और हिप हॉप ऑडियंस को ही बता सकता हूँ, अपने दोस्तों को ही बता सकता हूँ, फ्रेंड्स को ही बता सकता हूँ। सो गाइज मैं ये सब चीजें तुम लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रहा था बिकॉज यार मेरे को ये गाने 10-11 गाने मेरे को बहुत पसंद है, एंड आई थिंक अभी तक ऐसा कोई सॉन्ग नहीं आया जो इन गानों के ऊपर जा सके। देखो ऐसा सॉन्ग था लाइक नाम ले ले था, नाम ले ले 11वें नंबर पे अभी भी है, सॉरी बिकॉज नाम ले ले वाज आल्सो ब्रूटल एंड आल्सो विद द फुल ऑफ एनर्जी, और उसमें बहुत तगड़े तगड़े काउंटर किए भाई अलग ने। बट जंगल ईच जब आ गया ना, जंगल ईच मेरे को थोड़ा अलग ही लेवल का मजेदार गाना लगा, लाइक मुंबई के रैपर मेरे को बहुत सही लगते हैं, उनका स्लैंग एंड उनका वो जो डिलीवरी होता है एंड उनका जो हुक पार्ट बनाने वाला होता है ना वो बहुत सही होता है, हुक क्रिएशन बहुत तगड़ी होती है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। सो उसके बाद एमसी स्टैन की तरफ से डिस्ट्रैक्ट से लाइक खत्म, एमईवे की तरफ से काफी डिस्ट्रैक्ट से दैट दैट डिस्ट्रैक्ट्स विल बी ऑन द लिस्ट आल्सो। उसके बाद गली का कुत्ता बाय एमईवे एंड लाइक काफी चाबी वाला बंदर बाय डिवाइन, बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट से, बट उन सभी को सुनने के बाद मेरे को ये गाना लगा बढ़िया, तो ये गाना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई आपको इनमें से कौन सा गाना टॉप 10 में नहीं लगता, उस गाने को कमेंट सेक्शन में बिलो कर दीजिए, जो भी आपकी गलत फहमी होगी वो मैं निकाल दूंगा खुद विद द ब्रेक डाउन ऑफ दैट सॉन्ग। सो क्या लेंगे भाई टाइम अभी के लिए बस इतना ही, ओजी रिएक्शन के चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के बटन को दबा के चले जाइए यहाँ से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।